कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बसवराज बोम्बई सरकार को धार्मिक स्थानों, पबों और रेस्तरां सहित राज्य भर में लाउडस्पीकरों पर रात के 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक प्रतिबंध लागू करने का निर्देश दिया है। बता दें कि राकेश पी ने 2021 में यह याचिका दायर की थी। वहीं मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी और न्यायमूर्ति अशोक एस किनागी की अध्यक्षता वाली पीठ ने अधिकारियों को यह निर्धारित करने के लिए जांच करने का निर्देश दिया है कि क्या लाउडस्पीकर या सार्वजनिक संबोधन सिस्टम का दुरुपयोग किया जा रहा है, और अधिकारियों को 3 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट देने का भी निर्देश दिया है। अदालत ने कहा है कि हमें सूचित किया गया है कि मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारा और पब, रेस्टोरेंट जैसे अन्य प्रतिष्ठानों सहित विभिन्न धार्मिक स्थानों में लाउडस्पीकर का इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही अदालत ने कहा है संबंधित अधिकारियों को उचित कार्रवाई करने की आवश्यकता है, और रात 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक लाउडस्पीकर सार्वजनिक संबोधन प्रणाली और अनुमेय डिसेबल से अधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले अन्य संगीत वाद्य यंत्रों के उपयोग की अनुमति नहीं होगी। अदालत के अनुसार अधिकारियों ने कुछ प्रतिष्ठानों और धार्मिक स्थलों को लाउडस्पीकर का उपयोग करने के लिए अवैध रूप से स्थायी लाइसेंस दिए। हालांकि सरकारी वकील के अनुसार ध्वनि प्रदूषण नियम और पुलिस अधिनियम के तहत ऐसा कोई लाइसेंस नहीं दिया गया था। देखो, ये हाईकोर्ट का ऑर्डर है, वो परिष्करण कर रहे हैं, और ये फोर्स की बात नहीं है। ये समझा बुझा के सब कुछ करना है। हाईकोर्ट ऑर्डर्स, इट इज नॉट ओनली फॉर अजान, इट इज ओनली ऑल व्हाट यू कॉल लाउड स्पीकर्स, सो वी विल टेक अ कॉल। Thank you.